मैंने बहुत देर कर दी ना, ये कहने में 10 साल, 10 साल में जो मैंने समझा नहीं, वो मैं कुछ महीनों में एहसास हो गया मुझे, और आज इन आंखों में डूब जाने का ख्वाब जागा है मन में। I love you, Sarita. I love you. सुनने के लिए तरसी हूं मैं, दादी ठीक ही कहती थी, इस बरस मेरी जिंदगी में बरखा और बाहर जरूर आएगी। राज जी, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा, मैं वो आपकी तरह तो नहीं कह सकती, इतना जरूर कहूंगी कि आपके दिल में बसने का ख्वाब मैंने हर रात देखा है, आपके बाहों में पिघलने की तड़प हर दम महसूस की है मैंने। दस बरस बिन बरखा एक ही पल में आंखें भीगना, राज जी अगर आज मैं मर भी गई ना तो मुझे राज जी, आपने अपने प्यार का इजहार करके मुझे बहुत खुशी दी है, लेकिन बहुत देर कर दी आपने, ना जाने आगे क्या होगा, सगाई विक्रांत जी से हो चुकी है मेरी, भले आदमी हो आप तो दरवाजा खोल दो। क्या हुआ? अभी तो कुछ ना हुआ, पर हो जरूर जाएगा। एक ही रात में हवा लग गई तुझे, बहुत बदल गई। इन्होंने ऐसा क्या देख लिया? पहले तो सुबह सुबह उठ जाती थी 6 बजे,
और आज 8 बजे तक भी दर्शन नहीं दिए महारानी ने। मैं अभी आती हूँ रसोई में। कोई जरूरत नहीं है रसोई में आने की। एक काम करो, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो गए और हॉल में आ जाओ। रात के बारे में राज। अरे ओ सरिता, अरे आ भी जाओगे या नहीं भाई? इतनी देर में तो भगवान भी दर्शन दे दे। मिसेस विक्रांत सूर्यवंशी के लिए। अरे शादी में दिन ही कितने बचे, आपको गहने नहीं चाहिए? पर मैं जानता गहने एक औरत की कमजोरी होते हैं। जी नहीं, कमजोर औरतों की कमजोरी होती है गहने, जिसका फायदा आप जैसे लोग उठाते हैं। आपको गहने पसंद नहीं है सरिता? अगर मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल होता तो आप एक बार आने से पहले पूछ गए थे। अब पूछेंगे नहीं मिस्टर विक्रांत, क्योंकि आपको किसी दूसरे के बारे में सोचने की आदत ही नहीं है। ओ, मैं क्या करूं, मेरी आदत है। मैं जो भी करता हूं अपने तरीके से करता हूं, वो मेरी कमजोरी है। सारे ज्वेलरी पीसेस एक्सक्लूसिव है, मैंने चूज किया, आप पर बहुत खूबसूरत लगे। अब देखिए ना ये मैं चूज करता हूं। छचंद्र की किस्मत खुल गई, कौवे के गले में मोतियों का हार। चुप कर, कभी तो कमेंट्री बंद रखा कर। ये कितने का है? 50। 50,000? नो मैम, यहाँ पर जितनी भी ज्वेलरी रखी है सब 50 लाख से ऊपर की है मैम। सरिता तुम भी तो देखो, कुछ ट्राई करके देखो। इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। पहना दो। एक हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, ये झिझक कैसी? जी घर के सभी लोग हैं। तो क्या हुआ, हम से कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा? इसमें हर्जी क्या है, पहन ले बेटी। अच्छा एक मिनट, एक्सक्यूज मी। यस सर। देखिए ये सारे गहने यहीं रहने दीजिए, शायद ये सबके सामने ट्राई करने शर्मा रहे। मिसेस विक्रांत सूर्यवंशी को जो पसंद आएगा वो रख लेंगे, उसका बिल मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। ओके सर। इज दैट ओके मिसेस सूर्यवंशी? ठीक है, सारे अपने ही हैं, अब तो ट्राई कीजिए। कम कम सिट।
मैंने कहा था ना, आप पर यह हार बहुत खूबसूरत लगेगा। इयररिंग्स भी ट्राई कीजिए। सरिता, तुम्हारा ये इयररिंग कहाँ है? वो भैया के पास है। तुम्हारा इयररिंग राज के पास क्यों है सरिता? भैया आप भूल गए क्या? आज आप ज्वेलर के वहां जाने वाले थे ना? वो भाभी ने आपसे कहा था ना वो इयररिंग्स बनवाने के लिए? जाइए ना भैया। इट्स ओके देन। इसे पहन लो। चले सर। तो कहाँ? अपने शादी के मंडप में। अरे मजाक कर रहा हूं, किडिंग। अभी के स्कूल में मीटिंग है, पीटीए मीटिंग, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन। तो वो चाह रहा था कि इस मीटिंग में उसकी मामा भी आए। उसने मुझे धमकी दी, अगर मैं उसकी मामा को नहीं लेकर आया तो शाम में वो मुझे पनिश करेगा। पर मुझे तो राजी से बात करनी है। अभी अभी कैसे जाऊं? मैं 10 मिनट में आऊं। सरिता मुझे कहीं भी लेट पहुंचना पसंद नहीं। अभी ने बुलाया, प्लीज चले। अरे सोच क्या रही है, 10 मिनट में तो कहीं ना तेरी दुनिया पलट जाएगी। इतने प्यार से बुला रहे हैं, चली जा। और ये गहने मैंने तो सब मैं सिंगवा के रख दूंगी। ले जाओ विक्रांत जी। और क्या है ना सरिता, थोड़ी सी शर्मीली। जा 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 जा। भैया वक्त निकलता जा रहा है। आपकी खामोशी, भाभी की झिझक, ये सब देखकर जानकर भी क्यों चुप है आप? क्या बोलूं मैं? मुझे पता देर हो रही है, मुझे कुछ सोचने देगी तू अकेले? मैं जरा समझ सकूं कि क्या क्या बोलना है, क्या करना है? तू जाए यहां से। पहले ही बहुत देर हो चुकी है भैया, बस मेरी एक बात याद रखिएगा, 10 साल बाद ही सही, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में वो वक्त आ ही गया जहां आप लोग एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे। नहीं जी पाएंगे भैया। सरिता जी से प्यार का इजहार तो कर दिया कल रात नशे में, लेकिन उनकी सगाई वाली बात कैसे भूल सकता हूं मैं? अगर विक्रांत को भनक भी लग गई कि मैं सरिता जी से प्यार करने लगा हूं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा वो। मामा आपको मेरे टीचर का नाम पता है?
लव यू। मम्मा बोलो ना, मेरी टीचर का नाम क्या है? एक्सक्यूज मी सरिता, कहाँ खो गई आप? अभी आपसे कुछ पूछ रहा है, इससे इंपॉर्टेंट क्या बात हो सकती है? सॉरी, पूछे क्या पूछ रहे थे आप? मेरी टीचर का नाम। पर आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। जैस्मिन मिस। वो भी किसी की तरह एंग्री यंग वुमन तो नहीं? इनकी तरह। अगर आप दोनों का मजाक खत्म हो गया हो तो चलें। मीटिंग में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, चलो। डैडी 1 मिनट, आप यहीं पर रुकिए। अभी? मम्मा ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रथम। प्रथम ये है मेरी मम्मा। ये सच में तेरी मम्मा है? हाँ मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा को विश कर। हेलो आंटी, आप सच्ची में अभी की मम्मा हो? बाय आंटी। मम्मा प्रथम और उसके फ्रेंड ने मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा उनके मम्मा की तरह स्कूल नहीं आती ना। पर अब मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, तो क्या आप आओगी ना मीटिंग में, है ना मम्मा? और मेरी मम्मा तो स्वीट है, प्रथम की मम्मा तो बहुत गुस्सा करती है। प्रथम सरिता, थैंक यू वेरी मच। फिर अब तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई, आप फिर भी यहाँ अभी के स्कूल आई उसकी मीटिंग के लिए, थैंक यू। अभी जो ये आपको मम्मा कहता है ना, बिल्कुल ठीक कहता है। उसके लिए आपसे अच्छी माँ तो हो ही नहीं सकती। उसकी ये हंसी ये खुशी बस इसी तरह बरकरार रखिएगा, क्योंकि अगर उसे किसी भी तरह दुख पहुंचेगा ना, से बर्दाश्त नहीं होगा। ये गुरु भी ना कितना इंतजार करवा रहे, मैं ना बात ही नहीं करूंगी उससे। सॉरी। ये सॉरी क्या होता है? हाँ सॉरी बोलो और फिर देर से आओ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्या करूं, नई नौकरी है और पहला प्यार। ट्रस्ट मी, मैं दुकान से निकल ही रहा था कि अचानक कुछ कस्टमर्स आ गए, और तुम औरतों को जानती हो ना, एक साड़ी लेने के लिए 50 साड़ियां निकलवाती। और जब मैं उनको साड़ियां दिखा रहा था तो मेरी नजर इस पे पड़ी, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। ये साड़ी तो बहुत महंगी है ना, मुझे पता है, मैंने देखी थी वहां पर उस शॉप पर। अब फिर ना मैंने रख दी। इतनी महंगी साड़ी लाए तुम मेरे लिए, हमारी भाभी को पता चला वो तो तुम्हारी जान ही ले लेगी ना। क्या कहोगे अब उनसे? वो एक्चुअली मेरे मालिक ने मेरी सैलरी बढ़ा दी, तो मैंने उनसे कहा कि जो बड़ी हुई सैलरी है उसमें से इसके इंस्टॉलमेंट काट के। बस मैंने ये साड़ी देखी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो कब पहन के मिलोगी? जल्दी पहनूंगी। अच्छा एक बात बताओ, ये गिफ्ट क्यों लेकर आए मेरे लिए? आपकी वजह से मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई, तो गिफ्ट तो बनता था, और वैसे भी पहली डेट के लिए कोई बहाना तो चाहिए था। हाँ
ये क्या कर रही हैं आप? लोग देख रहे हैं। देखने दो, मैं डरती थोड़ी ना हूं किसी से। देखना कैसा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया लग रही है। ये रिंग कैसी है? बहुत अच्छी है, माँ से दिलाओ ना ये वाली। चांदी, सोना, हीरा सब है। कितना है देख। अरे सरिता बेटी आ गई तू। अरे वाह बेटा, कैसा लगा तुझे विक्रांत का साथ? और कहाँ कहाँ घूमने गए थे? और तोहफा दिया क्या उसने? अरे भाई भले ही कुछ दिनों के लिए सही, पर तेरी सास तो हूँ ना मैं। अब इतना हक तो मेरा बनता ही है कि उसका साथ कैसा लगा पूछ लूं। भोपाल में है किसी में इतनी हिम्मत जो अपनी बहू का पुनर्विवाह करवा सके? अरे जोखोटिया परिवार की मालकिन, एक बात अपने भेजे में अच्छे से डाल ले। अरे अब तो इसकी सास न रही, इसकी सास तो हो गई वो रोहन की माँ, जो तेरे से 200 गुना कड़वी है। बेचारी सरिता आग से निकली और खाई में गिरी। भाभी आप भैया को ढूंढ रहे हो ना? वो बाहर गए। अब तेरा क्या रिश्ता है राज से? तुझे तो मिल गया ना विक्रांत। अरे कम से कम अब तो पीछा छोड़ दे मेरे भोले भंडारी का। तू तो कुबेर के घर की रानी बनने वाली है और मैं अपने घर की रानी टीवी की स्टार दिव्या को बनाऊंगी। बस राज का पुनर्विवाह करा के मैं भी गंगा नहा लूंगी। अरे राज बेटा, अरे कहाँ घूमता रहे वे आजकल तू? अरे वो इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री से 4 बार फोन आ चुका, अरे कब जाएगा उसका कपाल उठवाने? हाँ हाँ वो देख रहा हूँ, आपसे कुछ बात है? हाँ भिजवा दिया है टेम्पो मैंने, वो हो जाएगा काम। अरे 2-4 लाख घर में आते बुरे लगे हैं तने। मैं अभी आती हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी। चुप क्यों है? मुझे लगा आप। माफी मांगना चाहता था, वो कल रात कुछ ज्यादा ही पीली मैंने और नशे में जो भी कह दिया वो तरीका सही नहीं था। अब तरीका सही नहीं था तो जो बात कही वो भी सही नहीं हो सकती। सरते जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये भूल गया था कि आपकी शादी विक्रांत से होने वाली और उसी में आपकी खुशी है। आप झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ भी कहा सब सच है। एक एक लफ्ज मेरे दिल से निकला है लेकिन तरीका गलत था। पर शायद मेरे पास वही एक तरीका था अपने दिल की बात बताने का। इतने दिनों से यही कहने के लिए बेचैन था मैं इतने दिनों से। उपेक्षा की मैंने, फिर भी मुझसे प्यार करती नहीं। मुझ जैसे इंसान को माफ करके अपनाया आपने, कोई नहीं करता ऐसा।
अभी बेटा ये देखो हम आपके लिए कितने सारे गेम्स और खिलौने लाए हैं। आप खेलोगे ना? नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मा ने कहा है कि टीवी और वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि बॉयज खेल तब मनती है जब वो कोई अच्छे गेम खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल। है ना डैडी? बिल्कुल ठीक। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, मम्मा ने आपको एक बार कहा और आपने उनकी बात मान ली? हाँ, मैं उनकी हर बात मानूंगा। सॉरी नादी, मुझे ये सब खिलौने नहीं चाहिए। विक्रांत बेटा, आपको नहीं लगता कि अभी कुछ ज्यादा ही मम्मा मम्मा करने लगा है? मेरा मतलब है, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई, सरिता इस घर में आई भी नहीं, और अभी तो अभी से बिल्कुल उसी का हो गया है। तो इसमें गलत क्या है माँ? सरिता उसके होने वाली माँ है, अभी तो सरिता को मम्मा ही कहता है, और मॉम वो उसे अच्छी आदतें तो सिखा रही है, अच्छे गेम्स खेलेगा, अच्छी कहानियां सुनेगा, तो उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी और वो अपने अतीत को भूल पाएगा। आपको नहीं लगता कि आप दोनों कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं उस पर? यू नो व्हाट आई मीन इज कि अभी तो ये भरोसा भी नहीं कि वो इस घर में शादी करके आएगी। आपने देखा नहीं सगाई के दिन उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ राज पे था? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो राज के लिए कुछ भी कर सकती है। मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद आपको भी गलत फहमी हुई है जैसे मुझे हुई थी। राज और सरिता तो सिर्फ दोस्त हैं। मैंने उन दोनों से बात की है और सरिता ने मुझसे वादा किया है कि वो इस फैसले को, उस शादी को कभी नहीं तोड़ेगी। कमाल है विक्रांत बेटा, सरिता ने आपको एक कहानी सुनाई और आपको उस कहानी पर भरोसा भी हो गया। मैं तो बस यही चाहूंगी कि आपका भरोसा ना टूटे। राज सरिता का अतीत है और मैं उसका वर्तमान और उसका भविष्य। अब सरिता की जिंदगी में राज की कोई जगह नहीं। डोंट वर। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रांत सरिता को चाहने लगा है? वरना विक्रांत सरिता का पक्ष मेरे सामने नहीं लेता। लगता है सरिता का जादू चल ही गया। अब इस बला का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जा ही रही हो तो ये चुनरी साथ लेते जाओ। ये चुनरी तुम्हें याद दिलाएगी कि राज जी की पत्नी ने तुम्हें उनके लिए चुना है, कि राज जी के साथ विवाह का पवित्र रिश्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिंदगी तो दिव्या थी और अब आपकी जिंदगी में विक्रांत है। प्यार का इजहार तो हम दोनों ने कर दिया, लेकिन सब कुछ कितना उलझ गया है, कितना आगे निकल आए हम। एक पल के लिए मैं भूल ही गया कि
विक्रांत साहब की सगाई करवा चुका हूं मैं। और मैं भी भूल गई राज जी कि मैंने दिव्या से एक वादा किया था और मैंने विक्रांत से। कहीं अचानक गिर जाना जैसे नियति का कोई संकेत हो, शायद वो हमें इस सपने से जगाना चाहती है राजी। अब हम दोनों का वास्तव कुछ और है, हम दोनों किसी और से पुनर्विवाह करने वाले हैं। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। अब तो हर पल हर बार मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। जिंदगी में मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताऊं। मैं भी पर क्या आपके परिवार वाले वो विरोध नहीं करेंगे इसका? एक तो मैं कहाँ और आपके परिवार वाले कहाँ, और मैं तो उसी आदमी का हमशक्ल हूं ना जिसने आपको और आपके पूरे परिवार वालों को इतना बड़ा धोखा दिया। फिर भी आपको लगता है कि आपके परिवार वाले इस शादी के लिए मान जाएंगे? उनसे पूछकर प्यार नहीं किया था मैंने, वो हाँ कहें या ना मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। हीरो, हमारी धुलाई के बाद छमिया को फंसा लिया? अगर इनके पास आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाने मन, हम इतने भी बुरे नहीं है, आओ आशिकी कर लेते। मार साले को। शीला, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। शीला जाओ। मैंने कहा छोड़ो उसे। तू है? हीरो बन गया। शीला तुम जाओ यहाँ से। मार साले को। मार। हेलो 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 राजी, प्यार का इजहार करने में देरी हो चुकी है। एहसास तो हुआ है, अब क्या अच्छा होगा कि हम दोनों किसी और से रिश्ते में बन जाएं, अपने प्यार का गला घोट दें। हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम दुनिया के सामने अपना प्यार कबूल कर सके। सबने समझाया था मुझे, दादी शीला सबने सबने बताने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझने में इतनी देर करती और सब कुछ इतना उलझ गया। लेकिन मैं इस उलझन को सुलझा सकता हूँ। मैं विक्रांत और दिव्या से बात करूंगा, मैं उन्हें बोल दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। अब देखिए, दिव्या तो चाहती थी ना कि मैं आपको स्वीकार करूं, इसीलिए ये सब कुछ छोड़ के वो मुंबई चली गई अपनी टीवी की दुनिया में वापस, और विक्रांत से मैं बात करूंगा। मैं कह दूंगा उससे कि मैं आपसे प्यार करता हूं और हम साथ रहना चाहते हैं। बस ये मुमकिन है सरिता जी, आप घबराए मत, मैं हूं, मैं बात करूंगा विक्रांत से। दिव्या तो शायद मान भी जाएगी, विक्रांत जी उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। मैं अब आपका फैसला सिर्फ एक शर्त पर मानूंगा। मुझे हर शर्त मंजूर है। ये जो फैसला आपने किया है मुझसे शादी करने का, ये आप आज के बाद कभी नहीं बदलेंगे। हालात कितने भी बदलें, हम दोनों के बीच कुछ भी हो जाए, आप इस फैसले से मुकर नहीं सकती। इट्स अ डील देन।
सकती। विक्रांत जी से मैं बात करूंगी राज से। मैंने हाल ही में उन्हें एक वादा किया था। आप घबराइए, मैं बात कर लूंगा। मैंने ही विक्रांत को आपके लिए चुना है। मैं जानता हूं उसे। मैं उसे समझा सकता हूं। मैं उससे बात करूंगा और सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मैं विक्रांत जी से बात करूंगी। उन्होंने सिर्फ अभी की वजह से शादी के लिए हाँ की। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ रिश्ता सिर्फ उनसे नहीं, अभी जैसे मासूम बच्चे से भी जुड़ चुका है। विक्रांत जी से मैं बात करूंगी राज से। मैंने हाल ही में उन्हें एक वादा किया था। आप घबराइए, मैं बात कर लूंगा। मैंने ही विक्रांत को आपके लिए चुना है। मैं जानता हूं उसे। मैं उसे समझा सकता हूं। मैं उसे बात करूंगा और सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मैं विक्रांत जी से बात करूंगी। उन्होंने सिर्फ अभी की वजह से शादी के लिए हाँ की। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ रिश्ता सिर्फ उनसे नहीं, अभी जैसे मासूम बच्चे से भी जुड़ चुका है। राज, बेटा राज, जल्दी दरवाजा खोल, सीला बड़ी मुसीबत में तुझे बुला रही है। बेटा क्या हुआ? राज बेटा, तेरे बाबूजी का फोन आया। मुझे तो कुछ बता नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, रोए रोए जा रही है। शीला, क्या वो कहाँ है तू? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल? क्या हुआ? क्या क्या हो गया मेरे बच्चे को? भैया मैं ठीक हूँ भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। भैया प्लीज जल्दी आ जाइए, इससे ज्यादा मैं फोन पर आपको खुश नहीं बता सकती। मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या? माँ रोना बंद कर, मुझे कुछ नहीं बताया, शायद मुसीबत में मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ। अरे मुझे तो कोई बताओ। तुम दोनों फोन के बाद ही रहना, चल चल चल, रोना बंद कर। पर हॉस्पिटल क्यों? भगवान करे शीला दीदी को कुछ ना हुआ हो। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। देखिए आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके शीला। भैया क्यों? भैया वो मेरा दोस्त, भैया वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। भैया शीला तू तो कह रही थी मैं ठीक हूँ, फिर ये खून चोट लगी गया तुझे? सच बता मुझे। अरे हुआ क्या है बेटी, फोन पर भी कुछ ना बोली तू। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये खून कैसा तेरे हाथ पे? अरे जल्दी बता, मेरे जान निकली जा रही। बोल ना शीला। बता क्या बात है, हम बहुत घबराए हुए हैं। ऐसी कौन सी बात है जो तू सिर्फ राज जी को बता सकती है? भाभी वो मेरे साथ कोई था, मेरा मतलब है मेरा दोस्त, वो पूरी तरह से घायल हो गया। भैया मुझे गुंडों से बचाने के लिए वो खुद जख्मी हो गया। ये बात मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आप लोगों से बोलने की, इसलिए मैं भैया से बात करना चाहती थी। शीला शांत हो जा, तेरे दोस्त की जिम्मेदारी हमारी है, तू बता बात क्या है। भैया उससे मिलवाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन अकेले में। अरे हम तेरे माँ बाप है, गैर नहीं, बता दे। बता ना जल्दी। वो भैया मैं वो मैडम पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट करना है। मैडम ऑपरेशन होगा अभी थोड़ी ही देर में, आप प्लीज रिसेप्शन पे पैसे जमा कर फॉर्म भर दीजिए। अरे वो है कौन? वार्ड नंबर 1 में है, आप आ जाइए। बाबूजी माँ मेरी बात सुनिए, पहले मुझे माँ बाबूजी